चलिए आज हम पनीर का पराठा बनाते हैं। तो पनीर का पराठा तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो इसके बनाने के लिए हमें लेना है पनीर। तो यहाँ पे मैंने लगभग 100 ग्राम के करीब पनीर ले लिया है। फिर इसको हम हाथों से इस तरह बारीक कर देंगे, हाथों से इस तरह से मसल देंगे तो एकदम बारीक बारीक टुकड़ों में हो जाए। यदि आप चाहें तो इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो चलिए अब इसमें हम कुछ मसाले डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है और 1/4 चम्मच यहाँ पे हम डाल देंगे जीरा पाउडर, और इतनी ही क्वांटिटी में हम डाल देंगे यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर। फिर उसके बाद हम इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो यहाँ मैंने आधा चम्मच नमक डाल दिया है। तो अब यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने बारीक शिमला मिर्च कट करके लिया है, इसको इसमें डाल देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे हम डाल देंगे गाजर, गाजर को भी बारीक कट कर लेना है, या तो आप इसको ग्रेट करके भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज, तो प्याज को भी बारीक कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी साइज़ का प्याज लिया है। यदि आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे धनिया। तो यदि आप वेजिटेबल्स नहीं डालना चाहते तो आप केवल धनिया और मिर्च डाल के भी पनीर का पराठा बना सकते हैं। फिर उसके बाद हम डाल देंगे इसमें हरी मिर्च, तो जितना तीखा खाते हो आप उस हिसाब से इसमें हरी मिर्च डाल दीजिए। उसके बाद हम सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। तो देखिए बढ़िया तरीके से ये मिक्स हो चुका है। तो चलिए अब हम पराठा बनाते हैं। तो सबसे पहले हम आटा गूँथ लेंगे। तो जैसे हम और सारे पराठा बनाने के लिए आटा लगाते हैं ना, सेम उसी तरह से हमें पनीर का पराठा बनाने के लिए भी आटा लगा लेना है। अब हमें एक छोटी सी लोई ले लेंगे, फिर दोनों हाथों से इस तरह प्रेस करते हुए हमें एकदम कटोरी जैसे शेप का बना लेना है। तो देखिए ये एकदम कटोरी जैसे ये बन गया है। तो अब इसके बीच में हम डालेंगे स्टफिंग। तो हम इसमें डाल देंगे स्टफिंग, तो आप ढेर सारी इसमें स्टफिंग डाल दीजिए इस तरह से, और फिर इसको थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी स्टफिंग है ना वो बाहर ना निकले। तो इस तरह प्रेस करके आप इसको पूरा पैक कर दीजिए। तो दोनों हाथों से इस तरह से दबाते हुए इसको हमें पैक कर देना है। तो देखिए ये अच्छे से पैक हो चुका है। तो अब इसको हाथों से हल्का हल्का प्रेस कर देना है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। अब हम दोनों अंगूठों से इस तरह से हल्का हल्का इसको फिर से बढ़ाते हुए बना लेंगे ताकि जो स्टफिंग है ना वो पूरे पराठे में अच्छे से फैल जाए। तो अब इसको हम बेलते हैं। तो पहले थोड़ा सा आटा लगा लेंगे, उसके बाद हम इसको बेलना शुरू करेंगे। तो इसको बेलने के लिए ना हमें एकदम हल्के हाथों से ही इसमें बेलन चलाना है, अगर ज़्यादा प्रेस करेंगे ना तो ये फट जाएंगे। तो देखिए एकदम हल्के हाथों से इसे बेल लेना है। तो इतना बड़ा मैंने इसका पराठा बना के रेडी कर लिया है। तो चलिए अब इसको हम सेकते हैं। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है पैन, या तो आप तवा रख दीजिए, और जब ये गर्म हो जाएगा तब इसके ऊपर हमें बेल कर इस तरह से पराठे को डालना है। और जब एक तरफ से ये पक जाएगा तो हम इसे पलट के और इसके ऊपर से हम लगा देंगे घी, बटर, या तो आप तेल भी इसमें लगा सकते हैं। तो इस तरह से चारों तरफ से इसमें बढ़िया सा घी लगा देंगे। तो जितना अच्छा से इसमें घी लगाएंगे उतना बढ़िया ये पराठा बन के रेडी होगा। तो अब हम दूसरी तरफ से भी पलट के इसमें लगा देंगे घी। तो चारों तरफ से इसमें बढ़िया सा हम घी लगा देंगे और दोनों तरफ से इसको पलट पलट कर हम सेक लेंगे। तो देखिए इसमें बढ़िया सा कलर आ गया है और ये पराठा बन के रेडी हो गया है। तो वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए।